रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाया, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाय, रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सो बार, रही मन फिरी फिरी पोहिए, टूटे मुक्ता हार। आज हम खड़े हैं एक असाधारण शख्सियत अब्दुल रहीम खान ए खाना के मकबरे के सामने। वे सम्राट अकबर के प्रसिद्ध नवरत्नों में से एक थे। रहीम का जीवन सिर्फ राजनीति और सत्ता से परे था। वो एक प्रतिभाशाली कवि, एक ज्ञानी विद्वान और एक अविस्मरणीय व्यक्तित्व थे, जिनकी विरासत आज भी हमारे बीच जीवंत है। रहीम का शाही परिवार से गहरा नाता था। वे अकबर के सौतेले बेटे और ससुर दोनों थे, क्योंकि उनकी बेटी जाना बेगम की शादी दानियाल से हुई थी। उन्होंने युवराज सलीम, जो बाद में बादशाह जहांगीर बने, को शिक्षा दी और मुगल साम्राज्य के भविष्य को गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रहीम केवल एक सैनिक या राजनेता ही नहीं थे, बल्कि एक प्रसिद्ध कवि भी थे। उनके रहीम के दोहे आज भी स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं। कविता के अलावा उनकी बौद्धिक जिज्ञासा ने उन्हें ज्योतिष पर दो संस्कृत ग्रंथ लिखने के लिए प्रेरित किया, जो उनके ज्ञान की गहराई को दर्शाता है। रहीम का मकबरा एक विशाल चौकोर संरचना के रूप में खड़ा है और चारों ओर मेहराबों वाली कोठरियों से घिरा हुआ है। ये संरचना हुमायूं के मकबरे की अष्टकोणीय योजना से अलग है। रहीम का मकबरा एक सरल चौकोर योजना का अनुसरण करता है। इसके चारों ओर कभी एक भव्य चारबाग हुआ करता था, जिसमें जलधाराओं की जगह साधारण पथ थे। मकबरे के केंद्र से उठती हुई दो मंजिला इमारत अपनी भव्यता के साथ ध्यान आकर्षित करती है। हर तरफ गहरे धन से हुए मेहराब और छोटे छोटे मेहराब इसे एक यात्मक सौंदर्य प्रदान करते हैं। रहीम बैरम खान के पुत्र थे, जिनकी माता मेवात नूह जिले हरियाणा की एक कुलीन महिला थी। बैरम खान एक शक्तिशाली राजनीतिज्ञ और हुमायूं के शासनकाल के दौरान मुगल सेना के सेनापति थे और अकबर के शासनकाल में भी इस पद पर बने रहे। वास्तव में बैरम खान को अकबर का मुख्य संरक्षक, सलाहकार और शिक्षक नियुक्त किया गया था। दरबार में उनका प्रभाव इतना बढ़ गया कि अकबर ने उन्हें इस पद से हटाने का निर्णय लिया और उन्हें मक्का की तीर्थयात्रा पर जाने या पद छोड़ने का आदेश दिया। बैरम खान ने विद्रोह कर दिया और अकबर को अपने पूर्व गुरु से लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसे उन्होंने पराजित किया। बैरम खान फिर से मक्का जाने के लिए मजबूर थे, लेकिन गुजरात में रास्ते में उनका मुबारक खान लोहानी के नेतृत्व में अफगानों के एक समूह द्वारा हत्या कर दी गई, जिनके पिता मुगलों के साथ लड़ते हुए मारे गए थे। बैरम खान का परिवार भाग निकला और अकबर उन्हें वापस ले आए। बैरम की पत्नी सलीमा, जो अकबर की चचेरी बहन भी थी, ने अकबर से विवाह किया। बैरम के बेटे रहीम अकबर के दरबार का हिस्सा बन गए। रहीम धीरे धीरे एक प्रशासनिक भूमिका में आ गए। उन्होंने फारसी, अरबी और तुर्की भाषाओं में महारत हासिल की, लेकिन उन्होंने विभिन्न भाषाओं में कविता के लिए भी एक परिष्कृत स्वाद और संवेदनशीलता विकसित की। उन्हें गणित, खगोल विज्ञान और विद्वानता में भी रुचि थी। अंततः वे एक बहुमुखी कवि, बहुप्रतिभाशाली लेखक, कुशल विद्वान और एक योग्य प्रशासक बन गए। उनके विद्वता, परिष्कृत शिष्टाचार और मानवता से प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें मिर्जा खान की उपाधि से सम्मानित किया। मुगल सेना के सेनापति के रूप में उन्होंने गुजरात, सिंध, मेवाड़ और दक्कन में सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया। अपने जीवन में विभिन्न समय पर मुगल प्रांतों के राज्यपाल के रूप में उन्होंने यूरोपीय यात्रियों और व्यापारियों को दर्शक दिए और व्यापार विवादों का निपटारा किया। सम्राट द्वारा उन पर इतना भरोसा था कि उनके कार्य विवरण में मीरठ होना शामिल था, जिसका अर्थ था कि वो सम्राट की ओर से शासक को संबोधित हजारों आवेदनों को सुनेंगे। एक कुशल प्रशासक और सैन्य कमांडर होने के साथ साथ कला विज्ञान और दरबारी शिष्टाचार की गहरी समझ रखने वाले विद्वान के रूप में खुद को साबित करने के बाद उन्हें युवराज सलीम के अतालिक या शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।
वे अकबर के प्रशासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए और अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। यह वह मकबरा था जो उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी माँ बानू के लिए दिल्ली के निजामुद्दीन में बनवाया था। यह मकबरा, जिसे 1598 में बनवाया गया था, मुगल इतिहास में पहली बार एक महिला के लिए बनाया गया मकबरा था और बाद में ताजमहल जैसी संरचनाओं को प्रेरित किया। यह मकबरा मुगल ग्रैंड ट्रंक रोड के पास हुमायूं के मकबरे के निकट स्थित है और लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से सजे हुए वास्तुशिल्प चमत्कार के रूप में खड़ा है। मकबरे के अंदर अभी भी प्लास्टर पर सुंदर नक्काशी और धुंधली पेंटिंग के निशान हैं, जिन्हें अब उनकी मूल भव्यता में सावधानी पूर्वक बहाल किया जा रहा है। मकबरे के केंद्र में चारों कोनों पर चार छतरियां स्थित हैं, जो संरचना को एक संतुलित रूप प्रदान करती हैं। कहा जाता है कि हुमायूं के मकबरे के साथ साथ रहीम के मकबरे ने शाहजहां के वास्तुकारों को ताजमहल के निर्माण की प्रेरणा दी थी। समय के साथ रहीम के मकबरे ने इतिहास की मार झेली और इसका संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर पास के अन्य स्मारकों को सजाने के लिए हटा लिया गया, खासकर सफदरजंग के मकबरे के लिए। लूटपाट और तोड़फोड़ ने इसकी बाहरी दीवारों पर गहरे घाव छोड़े हैं, लेकिन यह अब भी खड़ा है अपनी गरिमा और भव्यता के साथ। हालांकि एक समय में यह मकबरा जीर्ण अवस्था में था, अब इसका पुनर्निर्माण किया गया है और यह एक महत्वपूर्ण स्मारक के रूप में अपनी जगह पुनः प्राप्त कर रहा है। हर साल लाखों लोग इस स्थल के पास से गुजरते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उस महान शख्सियत की कहानी जानते हैं जो यहाँ आराम फरमा रहे हैं। अब्दुल रहीम खान ए खाना एक कवि, विद्वान और मुगल साम्राज्य के सबसे बेहतरीन दिमागों में से एक। रहीम का मकबरा न केवल एक वास्तुशिल्प चमत्कार है, बल्कि यह एक ऐसा स्थान है जहां इतिहास, कला, संस्कृति और प्रेम का संगम होता है।